रीवा से 90 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 30 के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा पर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई। शनिवार की रात यहां पर मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने प्रयास किया, जाम भी लगाया, लेकिन पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। सीमा पर अफरा तफरी का माहौल रहा। श्रमिकों की भारी भीड़ जमा थी। भोजन पानी की कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं। ऐसे में लगातार प्रवासी मजदूरों के सब्र का इम्तहान कब तक होता। भूख प्यास की वजह से इसको तो टूटना ही था। मजदूरों के सब्र का इम्तहान टूटा। नतीजा, प्रवासी मजदूरों ने प्रयागराज जा रहे वाहनों को रोका, सड़कों पर जाम लगाया। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। एक बार तो पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ने में कामयाब रही। रात भर बॉर्डर में तनाव की स्थिति रही। यह सब हुआ उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी सीमा में मजदूरों को न आने देने। वहीं रविवार की सुबह बॉर्डर में एक बार फिर से प्रवासी मजदूर इकट्ठा होने लगे। हजारों की तादाद में इन मजदूरों ने उत्तर प्रदेश सीमा की बैरिकेड को तोड़ा और यूपी की सीमा में प्रवेश कर गए। यहां पर लगातार चार घाट में तनाव की स्थिति पिछले कई दिनों से निर्मित है। मध्य प्रदेश से जो भी प्रवासी वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें जल्दी वहां पर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। चार घाट सीमा पर उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी प्रवासी इस दौरान वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। रविवार की दोपहर तक अभी भी स्थिति वहां पर विस्फोटक थी। जब खबर लिखी जा रही थी, रीवा आईजी और रीवा कमिश्नर दोनों ही चाकघाट सीमा पर इस समय मौजूद हैं। इस बारे में हमने पुलिस अधीक्षक रीवा से बात की। आइए सुनाते हैं रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने हमें क्या कुछ बताया। किसी दूसरे प्रदेश का ट्रैफिक अगर आ रहा है, कोई माइग्रेंट लेबर का, तो उसको हम लोग बॉर्डर पे ले जा करके छोड़ने का हम लोगों को सबको निर्देश है। कोई भी कहीं पैदल नहीं चलेगा, ये निर्देश है। तो सभी जिले ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई भी ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है तो उसको पैदल ना चला करके उसको जो भी संभावित साधन मिल पा रहा है उसमें उनको बैठा दे रहे हैं। इसी क्रम में जाहिर है कि क्योंकि रीवा आखिरी जिला है मध्य प्रदेश का, तो सभी ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। डेली मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाकघाट बॉर्डर पर करीब 7 से 10 हज़ार के बीच में डेली ट्रैफिक, यूपी बाउंड ट्रैफिक क्रॉस करता है। इसी प्रकार से जो हमारा हरमाना बॉर्डर है वहाँ पे भी क्रॉस करता है। अब 10 हज़ार लोगों को जब आप रोकेंगे या उनको पर्याप्त व्यवस्था नहीं देंगे तो ये स्वाभाविक है कि लोग आक्रोशित हो जाएंगे। और क्योंकि सुबह भी कोई व्यवस्था बसों की नहीं हो पाई प्रयागराज की तरफ से, तो लोग वहाँ पे सुबह फिर आक्रोशित हो गए। 7 बजे से ही वहाँ फिर भीड़ लग गई 2-3 हज़ार लोगों की। और उसके बाद जाहिर है जो घटना हुई आप बता रहे हैं कि लोग अंदर चले गए और फिर उसके बाद अव्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों प्रशासन, पुलिस रीवा और प्रयागराज, आपस में समन्वय करने की कोशिश कर रहा है और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।